कल हमने आपको हरियाणा में हुई हिंसा के हथियार दिखाए थे। हमने दिखाया था कि कैसे हिंसा वाले दिन के पहले से ही भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, आग में घी डालने का काम किया जा रहा था, लेकिन खट्टर सरकार कान में रुई डालकर सोई हुई थी। विवाद को किसने जलाया, ये सवाल तो बार बार पूछ लिया और हरियाणा का पूरा सिस्टम अब तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन आज सवाल सीधे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से है, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से कह देते हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा नहीं की जा सकती। सवाल यह है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते खट्टर साहब? वो देख रहे हैं ना, वो लेडीसन ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फायर आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी देकर इस्तीफा देना चाहिए और हमें कमांड सौंपो, हम दिखाएंगे कैसे सबको सुरक्षा दी जा सकती है। बर्खास्त कर देना चाहिए हरियाणा की सरकार। आपने हमारे उस प्रदेश का बट्टा बिठा दिया जिस प्रदेश का नाम बहुत बड़ा था, और अगर आप और आपकी सरकार हरियाणवियों की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो ये राजनीतिक दिवालियापन है। झोला उठाइए और घर चले जाइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यानी प्रदेश के मुखिया, यानी पूरे राज्य का दारोमदार जिनके कंधे पर है। एक मुख्यमंत्री से राज्य की जनता उम्मीद करती है कि रोजी रोटी और काम धंधे से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मोर्चे तक सीएम साहब पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन हुआ क्या? कितने सारे लोग आ गए, आदमी जिंदा मर जाए जब आए कोई एसपी, आदमी जिंदा मर जाए जब आए कोई एसपी। सीएम खट्टर के राज में हरियाणा का नूह हिंसा की आग में धधक उठा। नूह से लेकर गुरुग्राम तक आग की लपटें जरूर अब राख बनकर ठंडी पड़ चुकी हैं, लेकिन हिंसा ने जो घाव दिए हैं वो शायद ही भर पाएंगे। और इस हिंसा से मनोहर लाल खट्टर के दामन पर जो दाग लगा है वो शायद मिट पाएगा। तमाम विरोधी पार्टियां एक सुर में अब सीएम खट्टर का इस्तीफा मांग रही हैं। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी देकर इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, झोला उठाइए और घर चले जाइए। खट्टर से इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि वो चूक गए हैं, और ये चूक किसी एक मोर्चे पर नहीं बल्कि कई मोर्चों पर हुई है। एक के बाद एक कई किरदार मेवात में हिंसा की जमीन तैयार करने में शामिल रहे, लेकिन खट्टर सरकार सोई रही। सीएम खट्टर की पहली चूक के तौर पर सामने आता है मोनू मानेसर का नाम। बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है, सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। मानेसर का रहने वाला मोनू बजरंग दल से जुड़ा हुआ है और खुद को गोरक्षक बताता है। मोनू मानेसर ने भारी संख्या में मेवात के नल्हड़ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करने की अपील की थी। मोनू ने कहा था कि वो खुद भी आएगा। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। मोनू मानेसर के इस वीडियो के बाद ही मेवात के माहौल में तनाव बढ़ने लगा था, क्योंकि मेवात में एक धर्म विशेष के लोग नहीं चाहते थे कि मोनू मेवात की जमीन पर कदम रखे।
आपको बता दें कि मोनू मानेसर वही शख्स है जो राजस्थान में वांटेड है, जिस पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की दूसरी चूक के तौर पर सामने आता है एहसान मेवाती पाकिस्तानी का नाम। भाइयों, जे मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आरोए कसम खुदा की, यकीन करोगा मारो या मरो, सही है ने? देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मरगा तो मतलब जन्नत का हकदार, मतलब मैं मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमान के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यू, और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमने कामयाब करे। पहले मोनू मानेसर का वीडियो सामने आया, उसके बाद एहसान मेवाती ने जहर उगलने वाले बयान जारी किए और भीड़ से हिंसा करने की अपील की। जी जैसे आवन है, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो, और हिंदू उनसे तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, जे धर्म के रखवाले हो ना तो धर्म की रखवाली करो, मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो, नहीं तो तुम्हारी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है। सोशल मीडिया पर मौजूद ये वीडियो मेवात की फिजाओं में नफरत का बारूद भरने का काम कर रहा था, और खट्टर सरकार का पूरा सिस्टम न जाने कौन सी नींद में सोया हुआ था। खट्टर का सिस्टम चौकन्ना होता तो ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले सलाखों के पीछे डाल दिए जाते, कोई हिंसा ना हो इसके लिए मेवात के मंदिर में भीड़ न जुटने दी जाती, भीड़ आई तो हमला ना हो इसके इंतजाम किए जाते, लेकिन खट्टर ऐसा करने में नाकाम हुए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस शख्स का नाम है बिट्टू बजरंगी, और ये खट्टर सरकार की तीसरी चूक का नाम है। पूरी लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहां कहां आ रहा हूं। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से, फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं, ये सारे मुलाकात करने के लिए 150 गाड़ियां फुल सिस्टम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर बजरंग दल प्रांत। पहले मोनू मानेसर ने मेवात आने की अपील की, उसके बाद एहसान मेवाती ने मोनू मानेसर गैंग के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर हिंसा की जमीन तैयार की, और इन सबके बीच में बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन खट्टर सरकार का खुफिया सिस्टम, उनका नेटवर्क किसी को भनक नहीं लगी, सब सोए रहे, और जब हिंसा हो गई तो हरियाणा के माननीय गृह मंत्री अनिल विज देश को ये बताने आ गए कि साजिश हुई है। कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं, ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। भाई वाह, हरियाणा सरकार को साजिश रचे जाने का पता तब चला जब पूरे देश को चल चुका था। खट्टर की चौथी चूक का नाम है कांग्रेस विधायक मामन खान, जो विधानसभा के भीतर खड़े होकर मोनू मानेसर को प्याज की तरह छीलने की बात कर रहे थे। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए इसी प्याज की नाखोड़ी, तो मेवात से हमसे कौन गएगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में। ये बयान भले ही इसी साल फरवरी महीने में दिया गया था, लेकिन उसी वक्त सदन के भीतर से मामन खान ने बता दिया था कि मोनू मानेसर अगर मेवात आया तो क्या हो सकता है। बावजूद इसके खट्टर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। खट्टर सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर उनकी पुलिस का नाम लिया जा रहा है। मेवात में हुई हिंसा के दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, पहले आप वो देखिए। पहाड़ों बैठे भाई फायरिंग कर रहे दबा दो। पूरी
पूरे हिंदुस्तान ने हरियाणा पुलिस को हमले के दौरान भागते हुए देखा, बचते हुए देखा, हरियाणा पुलिस को बेचारा बनते हुए देखा, लेकिन ये हरियाणा पुलिस की हकीकत नहीं है। हरियाणा पुलिस की गिनती देश की बेहतरीन पुलिस के तौर पर की जाती है। वो पुलिस जो धाकड़ भी है और वक्त वक्त पर अपने शौर्य, साहस और धैर्य का परिचय भी देती रही है। इस बात की तस्दीक देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं। हरियाणा पुलिस हर एक क्षेत्र में चाक चौबंद रहने का इतिहास रखती है, चाहे वो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुदृढ़ रखना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हरियाणा पुलिस इतनी सक्षम है तो नू में हिंसा रोकी क्यों नहीं जा सकी। इस सवाल के जवाब की पहली कड़ी के तौर पर सीएम खट्टर का वो बयान सुनिए जो उन्होंने हिंसा के बाद दिया। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,00,000 या 80,00,000 आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। हिंसा के बाद सीएम खट्टर आबादी और पुलिस की संख्या का अनुपात समझा रहे हैं। दरअसल खट्टर के राज में हरियाणा की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। कितनी चरमराई है उसके लिए जरा कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2014 में हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा की 4 घटनाएं हुई थी, जो पूरे देश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं का सिर्फ 1% थी। 2015 में 3 घटनाएं हुई, 2016 में 2 और 2017 में 4 घटनाएं हुई, लेकिन साल 2018 में सांप्रदायिक हिंसा की 45 घटनाएं हुई, जो पूरे देश में हुए दंगों का करीब 9% थी। 2019 में सांप्रदायिक हिंसा की 50 घटनाएं हुई, 2020 में 51 और 2021 में हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा के करीब 40 मामले सामने आए।